राम राम सा सभी दोस्तों को, खमा गणी सा। मैं अंकुर शेखावत और मैं अभी देखो आया हुआ हूँ एक फार्म के ऊपर। ये अपना ही फार्म है सबसे बड़ी चीज़, और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न है घी। घी क्यों बता रहा हूँ कि देखो आज के इस वीडियो में अपन देसी घी के बारे में बात करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि शुद्ध चीज़ का आज के टाइम में मिलना ना बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। जहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे आज के न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे ही मिलेगा। बहुत सारे ब्रांड की पैकिंग में घी नकली बन के आता है, पाम ऑयल से बनाया हुआ। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छा शुद्ध घी कहाँ से मिले। तो उसके लिए जो है हमने एक नई शुरुआत की है, जिसके अंदर हम एक बेसिक स्टार्टअप के थ्रू ये काम कर रहे हैं, और आप लोगों तक एकदम शुद्ध देसी घी किस तरीके से पहुंचाया जाए वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले प्रोसेस दिखा देता हूं कि हम ये घी कैसे बना रहे हैं। जिसको बिलोना घी बोलते हैं वही प्रोसेस है। अभी एकदम बेसिक स्टार्टअप, एकदम कहते हैं जिसको कि अभी शुरुआत ही करी है, वो वाला हमारा तरीका है। और अभी जितना भी घी हम बेच रहे हैं वो मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिली या उनके फ्रेंड्स, जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसी के थ्रू हम उसको बेच रहे हैं। और अंदर चलते चलते अपन बात करते हैं। ये अपना फार्म है। अब यहाँ पे हम करके आ रहे हैं कि देखो यहाँ पे गाय का घी हमारी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि गाय में अपने पास में गिर गाय भी हैं, साहिवाल भी गाय हैं, बाकी हम लोगों के पास में भैंस का घी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ भैंस हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं। जितनी भैंसें हैं ये सारी मुर्रा नस्ल की ब्रीड हैं, और मुर्रा नस्ल आप जानते हो कि सबसे अच्छी ब्रीड होती है अगर भैंस की जहाँ बात आती है। तो ये भैंस हैं, एक दो भैंस यहाँ पे कुछ उस तरफ भी बंधी हुई हैं। तो एक बार जो है प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग घी निकाल रहे हैं। रात को दही जमा दिया गया था और उसी से अब घी निकालेंगे। सबसे पहले दही को जो है बिलोने में डाल के आगे का जो है प्रोसेस करते हैं। आज जब बात आती है शुद्ध खाने की और इसमें भी देसी घी की, तो मिलना ना बहुत मुश्किल है। और ये मैंने बचपन में बहुत खाया था, लेकिन वो स्वाद जो है बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे ढूंढना या मिलना। इसीलिए मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है। और अभी सब जगह पे मिलावट मिलती है या क्रीम वाला घी मिलता है, और बहुत से बड़े ब्रांड ने तो प्योर घी लिखना शुरू कर दिया है शुद्ध देसी घी की जगह पे। पता ही नहीं है वो क्या बेच रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में गिर और साहिवाल गाय का A2 देसी घी, जो स्वास्थ्य के लिए अमृत होता है, वो आप ले सकते हैं। और वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा बिल्कुल देसी तरीके से कैसे घी बनाते हैं वो दिखाऊंगा। और अगर आप ये घी लेना चाहते हैं तो girvana.com पे विजिट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और जब भी आप कॉल या व्हाट्सएप करें तो A90 एडवेंचर मेंशन करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। खैर अब चलते हैं आगे, और मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल देसी तरीके से हम लोग कैसे घी बना रहे हैं। शायद आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन शुद्धता का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है, साफ सफाई का। तो शुरुआत करते हैं। देसी घी कहें या बिलोना घी कहें, इसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोसेस होता है। जो दूध आपने पशुओं से निकाला है उसका दही जमाएं। दही हमने जमा लिया था, और उसका प्रोसेस आप देख चुके हैं कि उसको हांडी में डाल के और उसको प्रॉपर तरीके से मथ के मशीन के द्वारा, और इस मशीन में स्पीड का भी ध्यान रखा गया है। ये मशीन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी घूमती है, और स्लो स्पीड पे दही को मथा गया है। उसके बाद में अलूणा घी निकाला गया था। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड होता है बिलोणा घी निकालने में, कि दूध से दही बना के निकाला जाएगा। इसको लूणा घी बोलते हैं, अलूणा घी बोलते हैं। ये अपने चूल्हे पे ही रख दिया, और इसी तरीके से इसको गर्म किया जाता है। अब ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको जो है आराम से हम बोतल में पैक करेंगे इसको। तो ये अभी घी का प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा शुरू हो गया है। अब तक जो है अपने चूल्हे पर रख दिया था, और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस पे उबल रहा है घी, और जितनी जो उसकी छाछ वगैरह है वो सारी इसके अंदर जल जाएगी। आंटी भी घी जो है इस तरीके से इसको बना रही है। अभी एक बार थोड़ा इसको अपन पास से ले लेते हैं ताकि अपन दिखा सके कि भाई क्या प्रोसेस से हम लोग अभी घी को बना रहे हैं। इस तरीके से जो है एकदम इस घी को बनाया जाता है, और ये कम्प्लीटली अपन सारा घी जो है चूल्हे पे ही गर्म करते हैं ताकि जितना हो सके देसी बना आपको मिले। अभी अपना जो घी है वो कढ़ाई को नीचे उतार दिया है, जितनी छाछ थी वो देखो नीचे बैठ चुकी है, और बाकी अब इसको छानने का प्रोसेस होगा। आप देख रहे हो कितना बढ़िया ये एकदम जो दिख रहा है अभी घी, और ये अपना गाय का घी है। बाकी अभी ऐसे इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे अपन, इसको जो है अभी खा के भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले चलते हैं फार्म की तरफ एक बार, की जो गाय है वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। आओ, अभी जो है कुछ भैंस आपने अंदर देख ली, और अब चलते हैं पीछे वाली साइड में जहां पे गाय जो है वो रखी हुई है।
यहाँ का जो वातावरण भी है ना एकदम शुद्ध है, शहर से काफ़ी दूर है, एरिया भी काफ़ी साफ सुथरा है और पोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे। तो ये अपनी गाय हैं, ये तो देसी है, देसी गाय का घी भी अपन निकाल लेते हैं। ये आपके सामने जो है ये साहिवाल है और ये आगे अपनी गिर गाय, और एक गिर गाय जो है आगे वाले खेत में बंधी हुई है। तो अपने पास में अभी लिमिटेड स्टॉक्स हैं, बट इतना है कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारी नीड्स को अभी तक फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इतना ही अभी हम इसको बल्क में नहीं बेचते हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर हम लोग घी निकालते हैं और फिर उसको हम सप्लाई कर देते हैं। बाकी अगर आप भी ये घी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए स्क्रीन पे देखो नंबर आ रहा होगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो घी आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अभी बिल्कुल मिनिमल पैकेजिंग, लेकिन शुद्धता जो है वो सबसे बड़ी चीज़, ट्रस्ट जो है वो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़, जब आप खाओगे तब पता चलेगा कि ये कितना शुद्ध घी हम अभी लोग बना रहे हैं। तो अंदर चलते हैं और बाकी का जो प्रोसेस है घी का वो आपको दिखा देता हूँ कि छनने के बाद में और वो कैसा हो जाता है। तो ये सेटअप अपन ने कर रखा है, अब चलते हैं अंदर। तो घी जो है ठंडा हो चुका है और आप देख रहे हो कितना शानदार इसका कलर आ रहा है। अब जो है ये बॉटलिंग के प्रोसेस के लिए जाएगा घी, तो अभी हम इसको इकट्ठा करते हैं सीधा स्टील के बर्तन में। तो अब ये देखो नीचे जो है पूरी छाछ बच गई और ये जो है अपना घी इसमें से छन गया। अब इसको एक से दो बार तीन बार इसको और फिल्टर करेंगे और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर बॉटलिंग होती है। ये जो है घी छन के इधर आ गया, देखो प्रोसेस दिखाया है मैंने कि हम इस तरीके से घी बना रहे हैं। अब देख सकते हो घी जो है शुद्ध घी जो है कितना बढ़िया है। इस शुद्ध घी की जो खुशबू है ना उसका मज़े ही अलग है। जो असली घी को पहचानता है ना वो इसकी खुशबू को ही पहचान लेगा कि भाई असली घी। और अब जो है इसको डलवाते हैं रोटी पे और फिर अब अपन रोटी भी खा के देखते हैं, मज़ा आ जाएगा रोटी खाने में। घी का प्रोसेस करते हुए ना मेरे को लगी बड़ी जोर की भूख, रोटी मैंने बनवाई दी थी, अब मेरा मन हो गया मैं तो देखो खा के जाऊंगा। अपनी रोटी आ गई है, कौन कौन खा रहा है मेरे साथ घी रोटी, और ये अपनी छाछ आ गई है एकदम बढ़िया वाली, जो अभी सुबह सुबह छाछ बनाई थी ना वो छाछ है। हाँ हाथ धो के आ जाओ, हाथ धो लिया शिव ने। तो देखो ये घी है, कलर देखो इस घी का, बाहर दिखने में अच्छा लगे कितना सुंदर है। अब ये घी इसमें डालते हैं रोटी पे, बस इससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊंगा यार। अब इसको खाते हैं, इसका जो स्वाद अभी पता चलेगा। देखो ऑथेंटिक फीडबैक भी दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, है ना, अलग ही स्वाद है। आपको बताना कैसा है ये वाला खाना है। एक मिनट खाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो मेरी बात तो ऐसी है जो मैंने बता रहा हूँ कि बहुत टेस्टी है, बाकी बच्चे तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये ऑथेंटिक टेस्ट का स्वाद है। वाह, ऐसे जब रोटी खाते हैं ना बचपन की आदत ताज़ा होगी, मज़ा आ गया खा के यार। चलो तो मैं खा लेता हूँ, मिलते हैं फिर बाद में। इतना मज़ा आया ना इस गो खाने में, क्योंकि ऑथेंटिक जो स्वाद होता है ना उसका फील ही एकदम अलग होता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम प्योर और ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाई जाती हैं और वही हमारी कोशिश है कि हम आपकी थाली तक एकदम शुद्ध चीज़ पहुंचाने की कोशिश करें। मैंने खाना खाया, मुझे इतना मज़ा आया कि मेरे को सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो हम तो रोज़ खाते हैं, अब आप भी अगर रोज़ खाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, बाकी स्क्रीन पे भी आपको डिटेल दिख जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अब जो है आपसे मिलता हूँ मैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।